अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऐशम बुटीक। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बैठे हुए बैन लगाने का आसान तरीका। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपने अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, बैन हमने फ्यूजिंग कर लिया, तो उसके बाद हमने बैन की सिलाई भी लगा ली। ये हमारी शर्ट है, शर्ट मुकम्मल बनी पड़ी है। इस टुकड़े से हम बैन की हाफ तक रख के देख लेंगे कि बैन हमारा कहाँ पर बैठेगा। ये देखें दोस्तों, ये बैन हमारे यहाँ पर बैठ रहा है। इसको हम निशान की मदद से ट्रेस कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमने इस तरह से इसे इस तरफ टर्न कर लिया था कपड़े को, इस जगह से नहीं करा। क्यों? क्योंकि इस जगह से हमने हाला कटिंग करना था, निशान लगाना था। अगर हम इधर प्रेस ना लगाते, इसे ऊपर की तरफ ना बिठाते इस्त्री की मदद से, तो ये कपड़ा फिर तंग करते। ये देखें, जैसे यहाँ पर इस्त्री नहीं लगाई हुई, इससे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से कपड़ा निकल रहा है, कहीं से कपड़ा अंदर है, तो इसलिए हमने टुके तक प्रेस करके इसे सीधी साइड की तरफ फोल्ड कर लिया था ऐसे। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। जितना आपने मार्जिन लेना है उतना छोड़कर आप कटिंग कर लें। नॉर्मल इतना मार्जिन जाता है एक पाँव का बैन में, तो हम निशान से एक पाँव हटकर इस तरफ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा रखेंगे। इस जगह से हमने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ये तीरा कटिंग करते वक्त फिक्स कटिंग होता है ना, तो हम यहाँ से साथ मिला देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कटिंग कर ली है। अब आपको बैन लगाना बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बटन टेक है। उल्टी साइड से हम बैन लगाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हम पक्का कर लेते हैं। दोस्तों बैन लगाते वक्त ना आपने ऊपर वाला कपड़ा खींच के रखना, ना आपने नीचे वाला कपड़ा खींचना। नॉर्मल हिसाब से एक सिलाई लगा लेनी है। बैन वाले कपड़े को इस तरफ खींच के रखना, इस तरफ ऐसे नहीं खींचना, ऐसे खींचना। टुक्के से टुक्का मिला लेते हैं, देखें बराबर है। देखिए यहाँ से भी फिक्स है, सिलाई लगा लेते हैं। देखें दोस्तों, हाला हमारा इस वजह से आउट होता है, हम इस जगह पर निशान नहीं लगाते। बाज़ूकात हाला आउट हो जाता है, हाल आउट इसे कहते हैं। जैसे ये बैन छोटा बड़ा हो जाता है, बैन हमारा फिक्स है, उसके लिए एक निशान हम तीरे के बिल्कुल बराबर इस जगह पर लगाएंगे। फिर बैन को आपस में नाप कर दूसरा निशान हम इस जगह पर लगा लेंगे। जहाँ पर हमारा पहला निशान है उस जगह पर हम दूसरा निशान लगा लेंगे। इससे हम ये पता चल जाएगा कि हमारा ये तीरे वाली सिलाई यहाँ पर ज्वाइन नहीं होनी, या ना यहाँ पर होनी, इस जगह पर ज्वाइंट होनी है। बैन के ऊपर वाली सिलाई लगा लेते हैं। अब
इसको भी हम नॉर्मल रखकर सिलाई लगा लेंगे। बैन की गुलाई के पास आकर एक टाँग पीछे ऐसे लगा लेते हैं और एक ऐसे, इससे हमारी बैन मजबूत हो जाएगी। इसको कटर या फिर हम किसी चीज़ की मदद से अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि ये सिलाई नज़र ना आए जो हमने पहली बैन वाली लगाई थी। इसमें भी सेम ऐसे एक टाका बटन टेक की तरफ लगा लेंगे और एक टाका हम पीछे बैन पर। ये देखिए दोस्तों, जो हमने निशान लगाया था, अब इस निशान पर हमने ये तीरे की सिलाई मैच करनी है। ये खुद ही मैच हो गई है क्योंकि हमने बैन की फिक्स कटिंग की थी, इसलिए। ये देखें दोस्तों, आपको बैन चेक करवा देते हैं। ये इस निशान, ये तीरे वाली सिलाई है, ये दूसरे तीरे वाली सिलाई है, इनको आपस में ऐसे बराबर करके ये देखें दोस्तों, हमारी फिक्स बैन आ रही है, हाल हमारा आउट नहीं हुआ। ये देखें, अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये फाइनल लुक बैन हमारा बैठ चुका है, प्रेस हमने लगा लिया बैन पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन आप प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।